वो क्या है भैया, वो इसके वाला वो क्या है, ए वो देखिए क्या है, वो है क्या, वो शोभा यात्रा जब हॉल में प्रवेश करेगी, ये हमारे जो बीच के वॉलंटियर्स हैं वहाँ नहीं रहेंगे, अपने अपनी जगह पर होंगे। ये पैसेज पूरे का पूरा खाली रहेगा। ये बच्चा कैसे आया? हेलो 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 हो गया, वो कुछ हो गया, हो गया ना। तुम वो सुनते रहना, एक बार पुनः आपको मैं याद करा दूं कि शोभा यात्रा हॉल में प्रवेश करेगी तो हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, और जब शोभा यात्रा के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे तभी हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है, वो ये है कि शोभा यात्रा जब मंच पर आएगी तो लोग स्थान नहीं ग्रहण करेंगे बल्कि उसी समय राष्ट्रगान और कुलगीत प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस पूरी अवधि के दौरान आप हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, जब राष्ट्रगान और उसके बाद कुलगीत समाप्त होगा तब हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बच्चों, आपको हम फिर एक बार रिमाइंड करा रहे हैं कि दीक्षोपदेश के समय आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, ये घोषणा कुलपति जी उस तरफ से करेंगे, और जब वो आपको दीक्षोपदेश देंगे, जो हैंडआउट आपको मिला हुआ है, उसके हिसाब से हर पैराग्राफ के बाद आपको एक साथ बोलना है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं। मोबाइल सेट्स आपके स्विच ऑफ मोड में होने चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मोबाइल सेट्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप उसको साइलेंट मोड पर रखेंगे। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा दें कि जो स्थान आपके लिए निर्धारित है आप वहीं बैठें,
कार्यक्रम आपका है, व्यवस्थित होगा, उसका श्रेय आपको होगा, आपके लिए आयोजित है, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी क्षण शोभा यात्रा के सम्मानित सदस्यगण सभागार में आ सकते हैं। वॉलंटियर्स अपने अपने स्थान पर सजग और मुस्तैद हैं, अच्छी बात है। क्रम जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे आगे कुल सचिव होंगे जब शोभा यात्रा आएगी, और वापसी के समय सबसे आगे एडीसी होते हैं और कुल सचिव सबसे पीछे होते हैं। जैसा आप जानते हैं, आपके मुख्य अतिथि आज के समारोह के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, और आपकी विशिष्ट अतिथि विख्यात पर्वतारोही और पद्मश्री से सुशोभित अरुणिमा सिन्हा, जो आपके विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा भी रही हैं, वो हैं। अरुणिमा जी को विश्वविद्यालय इस बार मानद उपाधि डीलिट की दे रहा है, उनका परिचय भी यहाँ से पढ़ा जाएगा। प्रक्रिया यही है कि जब उनको मानद उपाधि दी जाती है उसके पूर्व उनका साइटेशन पढ़ा जाता है, प्रशस्ति पत्र जिसको कहते हैं हम और आप। इसी मंच से मुख्य अतिथि महोदय का परिचय भी आपको बताया जाएगा। वॉलंटियर्स बाहर ध्यान रखेंगे एक कोई, और उधर से जब शोभा यात्रा आती है तो आप हमको इंडिकेट कर लेंगे, तो हम उपस्थित लोगों से ये अनुरोध कर लेंगे कि हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक बार पुनः मैं मोबाइल के लिए रिमाइंड कर दूं आपको कि हमारे मोबाइल सेट्स साइलेंट मोड पे हों, या स्विच ऑफ हों, या एरोप्लेन मोड पे हों। ऑर्डर हमने बना लिया है, अच्छी बात है। कभी भी शोभा यात्रा प्रवेश कर सकती है। गुरुकुल से पधारे हमारे आचार्य जी, और वो पांच बच्चे जो स्वस्ति वाचन करेंगे, आप उनको लेके मंच पर आ जाएं। जब सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन होगा, उस समय ये नन्हे नन्हे बालक आपके समक्ष स्वस्ति वाचन करेंगे इसी माइक से। फ्लैश ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो शुरू में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, पर्याप्त प्रकाश है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उचित नहीं लगता है। ये आपको वहाँ से अपनी जगह से नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप मंच पे आते हैं आपके सामने चमकता है, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। वो थोड़ा सा अनुचित सा लगता है, इसलिए हम आप बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहे हैं, मोबाइल सेट्स और उनके फ्लैशेस को आप बंद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वर्ण पदक
एक बड़ा अद्भुत अनुभव होता है ये। और महामहिम कुलाधिपति जी ने भी कहा कि देखिए ये जो उनका आदेश था उसके पीछे वो तर्क संगत आदेश भी उन्होंने दिया था। उनका ये कहना था कि हम और आप तो एक पीढ़ी हो चुकी है, लेकिन ये जो बाईं तरफ इनको उन्होंने विशेष आमंत्रित बच्चों को बुलाया है, उनका यही कहना था कि ये देश की भावी पीढ़ी है, ये कर्णधार हैं, तो इनकी दीक्षा अभी से दी जाए, इनको बताया जाए कि प्राइमरी स्टेज से ही कि क्या है। चूँकि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उनसे थोड़ा सा हम अलग हो चुके हैं, तो ये उनका कहना था कि इनकी एक ट्रेनिंग, इनका एक प्रशिक्षण प्रारंभ से ही हो, वो जाने कि ये क्या होता है, उच्च शिक्षा क्या होती है और कैसे इसका समापन किया जाता है, कैसे वो अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए उनका यह आदेश था जिसके अनुपालन में इन बच्चों को बुलाया गया है। बीच का पैसेज, ये पीली टी शर्ट, ये शर्ट का कॉल ये है, वॉलंटियर्स को कहिए अपनी जगह पर रहे, उसको खाली करें, एकदम खाली रखिए। अब आप उसको पूछ लेना, बाहर कई जो कार्यक्रम हैं उनमें एनसीसी कैडेट्स, जैसे मैंने बताया था, के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद गारद का निरीक्षण भी करेंगी मैडम। उसके बाद उन बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ वहीं पर होगा और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा पर मैडम द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और वहीं वृक्षारोपण भी होगा। ये सारे जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम था उनमें 10:45 तक हो जाना था। 10:55 पर माननीय कुलाधिपति व मुख्य अतिथि, इनको परिधान विशिष्ट अतिथि का होना था और 11 बजे शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह स्थल में प्रवेश करेगी, ऐसा अनुमान था और ऐसा ही कार्यक्रम बना है। बड़ा ही मैकेनाइज्ड कार्यक्रम होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बड़ा मैकेनाइज्ड, इन सेंस की एक समय सीमा बंधी होती है और सीमाबद्ध। ये आपको एक, मैं विशेष करके अपने छात्रों से कहना चाह रहा हूँ कि एक अनूठा अनुभव आपको होगा कि इस कार्यक्रम के विविध रंग हैं और इसका एक, इसकी तैयारी की जो ट्रेनिंग आप पाएंगे वो आपको आगे चल करके, क्योंकि आज हम जहाँ हैं कल आप भी वहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप देखें कैसे चीज़ें अरेंज की जाती हैं। जो हमारे गोल्ड मेडल के बच्चे हैं उनसे एक मेरा विशेष अनुरोध है कि आपको जो स्वर्ण पदक दिया जा रहा है तो आपको गोल्ड मेडल भी दिया जा रहा है, उसके सर्टिफिकेट्स भी दिया जा रहे हैं, प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। कोशिश की गई है कि इनमें कहीं कोई त्रुटि ना हो, मात्रा की, नाम की, तर्जनी की, किसी भी चीज़ की। इसके लिए वेबसाइट पे भी डाला गया था और एक डेट दी गई थी कि यदि इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत हो या गलती हो तो सुधार करवा लें, और ऐसा हुआ भी था, 2-4-5 में गलतियाँ थी, वो सुधार किए गए। लेकिन जब फिर भी त्रुटियां हो जाती हैं, हो सकती हैं, इनकी संभावना है, तो उस त्रुटि में आपसे मेरा अनुरोध यही है कि अगर उसमें कहीं मात्रा की गलती है या कुछ है तो आप हमको अपना सर्टिफिकेट ले लें, अपना मेडल ले लें। कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है उसके बाद मैं यही मंच पर रहूँगा, आप मेरे पास आएँ और उसका मैं निदान करवा दूंगा। ये कार्यक्रम हो चुके हैं, अब
मैडम और मुख्य अतिथि, अगर पानी न बरसा तो अभी की प्राप्त सूचना के अनुसार जो विशिष्ट परिधान है, मैडम उस कक्ष में गई हैं, मुख्य अतिथि महोदय गए हैं, विशिष्ट अतिथि गए हैं, तो ये माल्यार्पण वृक्षारोपण ये सब हो चुका है। अब शोभा यात्रा अपने स्थान से प्रारंभ होगी। वॉलंटियर्स, आपने काफ़ी बढ़िया से काम किया है, उसी हिसाब से आप मेंटेन रखेंगे। मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि शोभा यात्रा जब प्रवेश करेगी, शोभा यात्रा चल चुकी है, आपके सभागार के बाहर पहुंच भी चुकी है, किसी भी क्षण आप पाएंगे कि शोभा यात्रा हॉल में प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश के समय जैसे मैंने आपको बताया है और आपसे अनुरोध भी किया है कि हम सभी शोभा यात्रा के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। और यहाँ आने के बाद तुरंत राष्ट्रगान होगा और विश्वविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक हम सभी को खड़ा ही रहना पड़ेगा। एक और भी अरेंजमेंट हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है इन बच्चों की वजह से, कि नॉर्मली एकेडमिक काउंसिल और सभा, विश्वविद्यालय कोर्ट, इनके लोग वहाँ बैठा करते थे, लेकिन बच्चों को जगह देने के लिए इस बार उनको ये किया गया है। तो आगे कुल सचिव के बाद जो हमारे लोग शोभा यात्रा के होंगे, उनमें जैसे हमारे कोर्ट के सदस्य, विद्या परिषद के सदस्य ये होंगे, वो यहाँ बैठेंगे। आप अपने, रवि, अपने स्थान पर हम सब खड़े हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि शोभा यात्रा समारोह स्थल में को प्रवेश कर चुकी है। लास्ट एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करेंगे कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान हमारे मोबाइल सेट्स स्विच ऑफ मोड में होंगे। जीतू स्थान दीजिएगा। छायाकार बंधुओं से अनुरोध है कि शोभा यात्रा स्प्लिट करेगी यहाँ से आने के बाद। एकेडमिक और कोर्ट के लोग बाएं घूमेंगे और उसके बाद शोभा यात्रा ऊपर आएगी। जैसा मैंने आपको बताया है, आने का क्रम, सबसे आगे विश्वविद्यालय के कुल सचिव होते हैं, फिर परीक्षा नियंत्रक, फिर विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य, आप देख सकते हैं, फिर हमारी कार्य परिषद के सदस्य, संकायों के अध्यक्ष, कुलपति जी, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, कुलाधिपति महोदय एवं एडीसी साहब।
ये आने का क्रम है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके ठीक विपरीत क्रम में जब कार्यक्रम समाप्त होता है शोभा यात्रा प्रस्थान करती है। हमारी विश्वविद्यालय सभा के सदस्यगण और हमारे विद्या परिषद के सदस्यगण, उनके लिए सीट सुरक्षित और आरक्षित है। दाहिनी तरफ आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जब कार्य परिषद के सदस्यगण होंगे तो कुल सचिव उनको उनके आगे आगे आते हुए मंचासीन होंगे। मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से हमारी सभा और विद्या परिषद के सदस्य आप देख सकते हैं अपना स्थान दे रहे हैं और कुल सचिव जी खड़े हैं कि कार्य परिषद प्रारंभ हो तो फिर वो मंच की ओर, मंच की बाईं तरफ की सीढ़ियों से मंचस्थ होंगे। स्थान देते रहें। कार्य परिषद के सदस्यगण अब मंच की ओर अग्रसर हैं, आप देख रहे हैं। हमारी विशिष्ट अतिथि कुलपति जी के पीछे अरुणिमा सिन्हा जी, मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और उनके पीछे हमारी कुलाधिपति महोदया हैं। आप जैसा मैंने बताया, हम सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय का कुलगीत होगा और हम एक बार पुनः सभी सम्मानित इस बार हम उसको रिकॉर्डेड भी बजा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि एक बार पुनः आप अपने स्थान पर। यही है ज्ञान का मंदिर, कला विज्ञान का मंदिर, हमारा विश्व।
आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथिजनों के साथ दीप प्रज्वलन व स्वस्ति वाचन यहाँ से होगा करने की कृपा करें। बच्चों शुरू करें। आराम से छायाकार पत्रकार बंधुओं से एकदम आराम से देखें आप। धन्यवाद बच्चों। ये हमारे बाल सखा थे गुरुकुल के, जिन्होंने मैं आपके समक्ष स्वस्ति वाचन किया। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय से 24वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ हेतु अनुरोध करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से 24वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने की घोषणा करने हेतु अनुरोध करता हूं। मैं 24वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूं। कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को ग्रंथगुच्छ एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि व अन्य अतिथिगणों का स्वागत एवं विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के 24वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि भारत की शान पर्वतारोही पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं विश्वविद्यालय सभा के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष व विभागों के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्यगण, शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण, शासन प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सम्मानित प्रतिनिधि, पदक व उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थी और उनके गौरवान्वित अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों एवं विभिन्न महाविद्यालय से विद्यालयों से आए हुए प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर आप सभी का अंतर मन से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आज अपने बीच पाकर यह विश्वविद्यालय अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपने उदारतापूर्वक हमारे अनुरोध को स्वीकार कर दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए जो मूल्यवान समय प्रदान किया है, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। आपका इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं शत शत अभिनंदन। 24वें दीक्षांत समारोह के मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री सुश्री अरुणिमा सिन्हा, ख्याति लब्ध पर्वतारोही की उपस्थिति संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। आप विश्व की ऐसी पहली महिला हैं, पर्वतारोही हैं, जिन्होंने कृत्रिम पैर के साथ सातों महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराया है। इस समारोह में विश्वविद्यालय परिवार आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। आप हमारे ही विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, इस रूप में भी आपका पुनः अभिनंदन। समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए गौरव के साथ एक ऐतिहासिक अवसर भी है। महोदया, आपकी प्रेरणा, समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देश, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और शैक्षिक वातावरण के प्रति आपकी सजगता, तत्परता और कुशल नेतृत्व हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहा है। ज्ञान दीक्षा के इस समारोह में विश्वविद्यालय परिवार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। महोदया, मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ यहाँ उपस्थित समस्त उपाधि प्राप्तकर्ताओं को आपसे जो उद्बोधन एवं आशीर्वचन प्राप्त होगा, वह निस्संदेह ही इनके लिए चिरस्मरणीय और प्रेरणादायी होगा। महोदया, आज के पुनीत अवसर पर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा का संक्षिप्त वृत्त विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1975 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए एक संबद्धता प्रदायी विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। वर्ष 1984 से 1994 के मध्य 9 स्नातकोत्तर एवं शोध विभागों की स्थापना के साथ साथ विश्वविद्यालय का स्वरूप संबद्धता प्रदायी के साथ साथ आवासीय भी हो गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्धता क्षेत्र विश्वविद्यालय के समक्षता क्षेत्र में प्रदेश के 8 जनपदों अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं अमेठी के कुल 677 महाविद्यालय एवं संस्थान संबद्ध हैं। आवासीय परिसर तथा संबद्ध महाविद्यालय में 11 संकायों के अंतर्गत 108 पाठ्यक्रमों में लगभग 7 लाख स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को शोध एवं पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता, अनुशासन, नैतिकता, कौशल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में है। विश्वविद्यालय में इस दिशा में काम करते हुए स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत 2017-18 में 11, 18-19 में 14 तथा 19-20 में 4 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन आवासीय परिसर में प्रारंभ किया गया है। महोदया, वर्तमान सत्र में परिसर स्थित प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान के साथ नियमित तथा स्ववित्त पोषित विभागों के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में
54 समसामयिक विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध श्रीराम शोधपीठ, ऋषभदेव जैन शोधपीठ, अंबेडकर शोधपीठ के अतिरिक्त 18-19 में पंडित दीनदयाल शोधपीठ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अध्ययन केंद्र, संत कंवर राम सिंधी अध्ययन केंद्र तथा रत्नाकर शोधपीठ की भी स्थापना की गई है। शोध गुणवत्ता को समुन्नत करने के लिए 13 प्रमुख संस्थानों से MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। विश्व बैंक एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TKIP के अंतर्गत विश्वविद्यालय के तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को TKIP 3 अनुदान परियोजना के अंतर्गत 15 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। साथ ही इस परियोजना में मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में चिन्हित डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु एवं विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के शैक्षिक उन्नयन के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। 13-14 अप्रैल 2019 को बंगलुरु में आयोजित हमारे IIT संस्थान के बच्चों ने 5th नेशनल टेक्नो एग्जीबिशन में प्रथम स्थान प्राप्त कर 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ पर यह भी वर्णित करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए TKIP 3 में 2 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि और स्वीकृत की, जिसकी सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है। रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिसके प्रयासों से जस्ट डायल, एस्थेटिक सॉल्यूशंस, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ETV भारत इत्यादि के लिए हमारे कई बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं तथा प्लेस हुए हैं। EduSport तथा अन्य कंपनियां परिसर में आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पोषित सेवायोजन कार्यालय तथा मंत्रणा केंद्र का संचालन भी परिसर में किया जा रहा है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स तथा व्यक्तित्व विकास को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना प्रस्तावित है। भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं की काउंसलिंग भी कराई गई है। परिसर में विधि शिक्षा भी प्रारंभ की गई है तथा लीगल एड क्लिनिक की स्थापना भी कर दी गई है, जिसके माध्यम से जन सामान्य को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क विधि परामर्श दिया जा रहा है। महोदया, परिसर के छात्र छात्राएँ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं सहित NET तथा JRF की परीक्षा में नियमित रूप से उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित कर रहे हैं। हमारे छात्र छात्राएँ देश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों, ख्यातिलब्ध शोध व शैक्षिक संस्थानों, बैंकिंग सेवा, भारतीय सेना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त विदेश स्थित महत्वपूर्ण संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्र के महापुरुषों के सम्मानार्थ विश्वविद्यालय परिसर में उनके नाम पर भवनों का नामांकन किया जा रहा है। महोदया, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराने हेतु NCC, NSS तथा क्रीड़ा परिषद की इकाइयाँ भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संपूर्ण परिसर में पॉलीथीन, तंबाकू, पान, गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंधित करते हुए परिसर की NSS इकाई तथा समाज कार्य विभाग के माध्यम से नियमित अंतराल पर स्वच्छता जागरूकता के संबंध में रैलियां तथा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। महोदया, शैक्षिक गुणवत्ता तथा छात्र सुविधाओं के उन्नयन के इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रथम बार वर्तमान सत्र में तकनीकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान में प्रवेश हेतु उपलब्ध समस्त सीटें पूरी तरह से भर गई हैं। महोदय, आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि रूसा परियोजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि से शैक्षणिक विभागों में पर्याप्त फर्नीचरों की उपलब्धता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में मीडिया लैब की स्थापना के साथ साथ परिसर में संचालित विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं के लिए आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय, MBA तथा BBA पाठ्यक्रमों के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला, जन सुविधा की दृष्टि से आधुनिक सुविधा से सुसज्जित टाइलॉक ब्लॉक्स का निर्माण, अंटार्कटिका लैब तथा विज्ञान विभागों को समृद्ध रूप से एकीकृत शोध उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय के EDP सेल स्थित कंप्यूटर सेल को पूर्णतः नवीनीकृत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से सुसज्जित किए जाने के साथ ही सभी नियमित विभागों में स्मार्ट क्लासरूम निर्मित कराए गए हैं। उक्त क्रम में रिलायंस जियो के माध्यम से संपूर्ण परिसर में 100 MBPS की स्पीड की लीज लाइन के साथ साथ तीव्र इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा 19-20 से पूर्ण रूपेण ऑनलाइन कर दी गई है। विश्वविद्यालय के विगत 3 वर्षों में जारी डिग्री तथा मार्कशीट नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है तथा उपलब्ध पुस्तकों तथा शोध ग्रंथों को रक्षक ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। विश्वविद्यालय में जमा शोध प्रबंधों को स्कैन कराकर डिजिटल रूप रखने के साथ साथ अद्यतन 4,416 शोध ग्रंथ UGC के निर्देशों के अनुरूप शोध गंगा पर अपलोड कराए जा चुके हैं। यह प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा परीक्षाओं की व्यवस्था ऑनलाइन की जा चुकी है।
एक अभिनव प्रयोग के अंतर्गत समस्त प्रथम प्रवेशी छात्रों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित करते हुए छात्र से संबंधित समस्त अभिलेखों का एकीकरण किया गया है, जिसके फलस्वरूप UIN के माध्यम से छात्र स्वयं से संबंधित विश्वविद्यालय अभिलेखों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक परीक्षा के दिन ही अनिवार्य रूप से अपलोड कराए जाने, परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किए जाने जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा OMR आधारित संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा परिणामों में शुचिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित कराए जाने हेतु 100% उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग कराई गई है तथा कुछ प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों जैसे MBBS, BDS, MTech तथा BTech के उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे त्वरित परीक्षा परिणाम घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ साथ विश्वविद्यालय पौराणिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक नगरी अयोध्या को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिलाने के लिए भी प्रयासरत है। इसी क्रम में 6 नवंबर 2018 को दीपावली की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के 5,000 स्वयंसेवकों, छात्रों तथा शिक्षकों के साथ दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या के घाटों पर 3,01,152 दिए जलाकर विश्वविद्यालय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 50 एकड़ की भूमि पर विश्वविद्यालय के नए कैंपस के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया गया। तत्क्रम में खेल का मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ साइंसेज आदि के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष विश्वविद्यालय में महिला खो खो टीम ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी महिला खो खो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। इनके अतिरिक्त क्रीड़ा के अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महोदया द्वारा खेल दिवस पर राजभवन में सम्मानित भी किया गया है। महोदया, मुझे यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के एक आचार्य प्रोफेसर संत शरण मिश्र को शिक्षक दिवस दिनांक 5 सितंबर 2019 को लोकभवन लखनऊ में आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में शिक्षक श्री सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रोफेसर मिश्र यह पुरस्कार करने वाले विश्वविद्यालय के चौथे शिक्षक हैं। विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभागों ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किया, जिसमें देश एवं विदेश के प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों की सहभागिता रही। विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान सत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, 5 राष्ट्रीय अधिवेशन तथा 20 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, 27 विशिष्ट व्याख्यान, 35 राष्ट्रीय कार्यशाला, 5 वाद विवाद प्रतियोगिताओं के साथ साथ 9 खेल कूद की प्रतियोगिताएं एवं 23 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। महोदया, विश्वविद्यालय परिसर निरंतर ही शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के उन्नयन के लिए कटिबद्ध है। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों को अपनी मंगल कामनाएं देते हुए मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन काल का उपयोग ज्ञान, संस्कार और मूल्यों की सिद्धि में करें। हर प्रकार की सफलताएं आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। जय हिंद। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि अभ्यर्थियों को दीक्षोपदेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षोपदेश देने की अनुमति चाहता हूं, अनुशासनोपदेश देने की अनुमति चाहता हूं। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आचार्य की सेवा में मनोनुकूल सम्मान अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को अक्षुण रखो। सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल कर्म में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्यों में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं, हमारे जो शुद्ध आचरण हैं उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हों उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, शील पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए,
मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ विद्वान हों वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, मंगलमय हो। अपना स्थान ले लें आप सारे बच्चे। माननीय कुलपति जी से एक बार पुनः अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुमति प्राप्त कर अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने का कष्ट करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति में निहित अधिकार से मैं कुलपति द्वारा उपाधियां प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करती हूं। अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। कला संकाय के विभिन्न विषयों में पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को संकाय अध्यक्ष कला संकाय प्रस्तुत करें। श्रीमन, मैं संकायाध्यक्ष कला संकाय के सभी विषयों के अभ्यर्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत तत्संबंधी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, और आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं इस विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत प्रस्तुत सभी विषयों के अभ्यर्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय से कुल 677 महाविद्यालय संबद्ध हैं, और इस वर्ष इसके उसमें हम लोगों ने करीब 152,000 छात्रों को उपाधियाँ दी हैं, देने जा रहे हैं। इस हॉल की कैपेसिटी मुश्किल से 900 लोगों की है, इसलिए संकायवार छात्रों को हम बुला नहीं पाते हैं और अकोमोडेट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दीक्षांत समारोह में ये परंपरा रही है, हम केवल स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित करते हैं, और कुछ परिसर के जो हमारे बच्चे हैं जो पाठ्यक्रम यहाँ परिसर में संचालित हो रहे हैं उनके बच्चे भी कुछ आ पाते हैं। तो यदि किसी संकाय में बच्चे कम हों या ना हों तो कृपया इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की कृपा करें। अब इसके आगे मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय से अनुरोध करूंगा कि वह छात्रों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रीमन, मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से इस विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। विधि संकाय में पीएचडी एवं स्नातक अभ्यर्थियों को संकायाध्यक्ष विधि प्रस्तुत करें।
श्रीमन मैं संकायाध्यक्ष विधि संकाय के अभ्यर्थियों को पीएचडी एवं स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत पीएचडी एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, और आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं विधि संकाय के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के विधि विषय में पीएचडी एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं तथा आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय से अनुरोध है कि पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमान मैं संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय के सभी विषयों के अभ्यर्थियों को पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, और आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत सभी विषयों के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। शिक्षा संकाय में पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक अभ्यर्थियों को संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय प्रस्तुत करें। कुल सचिव जी से अनुरोध है कि उनके अनुपस्थित में अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय के समस्त अभ्यर्थियों को पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं शिक्षा संकाय के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। अभियांत्रिकी संकाय के स्नातकोत्तर एमसीए एमटेक तथा स्नातक बीटेक उपाधि हेतु निदेशक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमान मैं आपके समक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी संकाय के एमसीए एमटेक तथा बीटेक के वर्ष 2018 की उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं अभियांत्रिकी संकाय के एमसीए एमटेक तथा बीटेक के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। कुल सचिव से अनुरोध है कि दंत संकाय दंत विज्ञान संकाय के स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन मैं आपके समक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के दंत विज्ञान संकाय के वर्ष 2014 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के लिए योग्य प्रमाणित हुए हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं दंत विज्ञान संकाय के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें।
आयुर्विज्ञान संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संकायाध्यक्ष आयुर्विज्ञान संकाय अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन, मैं आपके समक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संकाय के बैच 2012-2013 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जो परीक्षणोपरांत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। और आपसे निवेदन करता हूँ कि उन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आयुर्विज्ञान संकाय विषय के प्रस्तुत अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। 15 सितंबर 2018 के बाद जिस दिन हमारा 23वां दीक्षांत हुआ था, अद्यतन विभिन्न संकायों में विभिन्न विषयों के स्नातक स्नातकोत्तर तथा शोध उपाधि हेतु जो भी अभ्यर्थी योग्य प्रमाणित हुए हैं, कुलपति महोदय आपसे निवेदन है कि सभी अभ्यर्थियों को उनके अनुपस्थिति में उन्हें भी तत्संबंधित उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से विभिन्न संकायों के स्नातक स्नातकोत्तर तथा शोध अभ्यर्थियों को उनकी अनुपस्थिति में उनसे संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि वे आजीवन अपने को अपनी प्राप्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक वितरण हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदया से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वर्ष 2019 परीक्षा के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने प्रथम प्रयास में विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। वशिष्ठ यादव को वर्ष 2019 की एमए हिंदी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं रणंजय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। नौशीन फातिमा को वर्ष 2019 की एमए उर्दू की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आदेश पटेल को वर्ष 2019 की एमए समाजशास्त्र की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अवनीश तिवारी को वर्ष 2019 की एमए प्राचीन इतिहास की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं गणेश दत्त शुक्ल स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। नम्रता मिश्र को वर्ष 2019 की एमए मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। फरहीन रिजवी को वर्ष 2019 की एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय एसपी तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अमर बहादुर को वर्ष 2019 की एमए दर्शन शास्त्र की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सिद्धांत नाथ को वर्ष 2019 की एमए की दर्शन शास्त्र की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अर्पिता सिंह को 2019 की एमए रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुमन रानी गुप्ता को वर्ष 2019 की एमए मनोविज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है।
अनामिका द्विवेदी को वर्ष 2019 की एमए गृह विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। शबिता देवी को वर्ष 2019 की एमए चित्रकला की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। विनीता सिंह को वर्ष 2019 की एमएससी रसायन विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर डीएस भाकुनी प्रदान किया जा रहा है। वरुणा को वर्ष 2019 की एमएससी वनस्पति विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। शबा फातिमा को वर्ष 2019 की एमएससी सूक्ष्म जीवन विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अनम तौशिबा को वर्ष 2019 की एमएससी पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। श्वेता पाल को वर्ष 2019 की एमएससी गणित की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अंकित कुमार को वर्ष 2019 की एमएससी कृषि एग्रोनॉमी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी वैशाली श्रीवास्तव को वर्ष 2019 की एमएससी एजी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आदेश श्रीवास्तव को वर्ष 2019 की एमएससी एजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। रत्नाकर पाठक को वर्ष 2019 की एमएससी एजी एंटोमोलॉजी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। निमिषा गोयल को वर्ष 2019 की एमकॉम परीक्षा की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। रूपाली सोनी को वर्ष 2019 की एमएमसीए आवासीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अंजलि को वर्ष 2019 की एमएससी गृह विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। गुंजन पांडे को वर्ष 2019 की एमएससी गृह विज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अतीयू सिंह को वर्ष 2018 की एमएस सर्जरी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। दीप्ति त्रिपाठी को वर्ष 2018 की एमडी पैथोलॉजी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। क्षमता क्या नाम है, क्षमता दुबे को वर्ष 2018 की एमडीएस ओरल एंड मैक्रोल सर्जरी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रियंका शर्मा को वर्ष 2018 एम पीएड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। राखी सिंह को वर्ष 2019 की एमबीए आवासीय परीक्षा की सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं गौरव अरोड़ा स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। देवांश पटेल को वर्ष 2019 की एमएससी जैव तकनीकी आवासीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कहकशा कलीम को वर्ष 2019 की एमएससी जैव रसायन विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है।
मुनव्वर जमाल को वर्ष 2019 की एमएससी गणित सांख्यिकी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं ई एस चंद्रशेखर स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। एकता शुक्ला को वर्ष 2019 की एमए इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर विश्वमित्र उपाध्याय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अभिनव द्विवेदी को वर्ष 2019 की एमए अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय रामकृष्ण सिन्हा स्मृत पदक प्रदान किया जा रहा है। नीतू शुक्ला को वर्ष 2019 की एमएससी सूक्ष्म जीवन विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। श्रद्धा पांडे को वर्ष 2019 की एमएससी पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। शोभा गुप्ता को वर्ष 2019 की एमसीजे की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रमोद कुमार पांडे को वर्ष 2019 की एमएसडब्ल्यू की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। मनीष कुमार जायसवाल को वर्ष 2019 की प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण विकास की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी अंजलि को वर्ष 2019 की एमएससी भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। मनप्रीत कौर को वर्ष 2018 की एमएड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अमित शर्मा को वर्ष 2019 की एमएसडब्ल्यू की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। रिजु पांडे को वर्ष 2019 की एमलिब आईएससी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सोनाली सिंह को वर्ष 2019 की एमएससी प्राण विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। शशि वर्मा को वर्ष 2019 की एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अवनीश पांडे को वर्ष 2019 की एमटेक ब्रांच एमई की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। दीपिका वर्मा को वर्ष 2019 की एमटेक ब्रांच ईसी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अंशिता शुक्ला को वर्ष 2019 की एमटेक सीएस ब्रांच की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। संध्या रावत को वर्ष 2019 की एमटेक आईटी ब्रांच की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। ये क्या नाम बेटा? अभी कुलपति स्वर्ण पदक के लिए मैं छात्रों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। नलनी पांडे को वर्ष 2019 की बीए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक एवं सेठ द्वारका दास झुंझुनवाला स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रीति सिन्हा को वर्ष 2019 की बीकॉम की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक एवं सर पदमपत सिंघानिया स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सौरभ पाल को वर्ष 2019 की बीटेक एमई की परीक्षा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। रजनी कुमारी को वर्ष 2019 की बीटेक ब्रांच सीएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। श्वेता सिंह को वर्ष 2019 की बीटेक ईसी ब्रांच की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रदत्त। अमिषा त्रिपाठी को वर्ष 2019 की एलएलबी त्रिवर्षीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है।
शक्ति सिंह को वर्ष 2019 की बीएससी कृषि की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। तश्मिया इसरत को वर्ष 2019 की बीएससी गृह विज्ञान की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आख्या पांडे बैच 2013-14 की एमबीबीएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सोनालिका श्रीवास्तव को बैच 2012-13 की बीडीएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आकांक्षा यादव को वर्ष 2018 बीएड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। दीपक कुमार को वर्ष 2018 एलएलबी पंचवर्षीय की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुंदन सिंह को वर्ष 2018 की बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अभिलाषा स्टीफन को वर्ष 2018 की बीएससी पीबी नर्सिंग की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आदर्श श्रीवास्तव को वर्ष 2018 बीएससी एमएलटी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सोना कुमारी रोचलानी को वर्ष 2019 की बीबीए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आंचल मेहर को वर्ष 2019 की बीसीए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पदक प्रदान किया जा रहा है। स्कंद कुमार तिवारी को वर्ष 2018 बीपीएड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सौम्या श्रीवास्तव को वर्ष 2019 की बीलिव आईएससी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। राणा कुंवर सिंह को वर्ष 2019 की बीलिव आईएससी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अश्मिता सिंह को वर्ष 2017 की बीसीए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। बस इसको एक सेकंड। इसके पश्चात दान स्वरूप स्वर्ण पदक छात्र हैं। अभिषेक नाग को वर्ष 2019 की एमबीए की मार्केटिंग की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय रावजी रंजन स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। एक छात्रा रह गई थी। मोहतुर वरुणाली समराव को वर्ष 2019 की एमएससी कृषि साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि समारोह की विशिष्ट अतिथि सुश्री अरुणिमा सिन्हा जी को डीलिट उपाधि प्रदान किए जाने के पूर्व उनका प्रशस्ति पत्र पढ़ने की कृपा करें। सुश्री अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ था। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में परास्नातक तथा विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। सुश्री अरुणिमा बाल्यकाल से ही खेलों के प्रति झुकाव रखती थीं और वे अप्रैल 2011 की उस हृदय विदारक तथा जीवन की दिशा बदल देने वाली घटना जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था के पूर्व भी वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थीं। सुश्री अरुणिमा ने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से प्रेरणा ली जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़कर पुनः राष्ट्रीय टीम में चयन कराने में सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान उन्हें अपने भाई से प्रेरणा मिली और उन्होंने जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने की ठान ली। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का आधारभूत पाठ्यक्रम किया।
21 मई 2013 को 17 घंटों की कठिन चढ़ाई कर माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई और कृत्रिम पैर के सहारे चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बन गई। अरुणिमा इसके पश्चात एक जुनून के साथ पर्वतारोहण में लग गई और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात आज वे विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर भारत का तिरंगा फहराने में सफल हुई हैं। उन्होंने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियुस्को, साउथ अफ्रीका के माउंट अंकोकागुआ, इंडोनेशिया के कार्डसेंस पिरामिड तथा अंटार्कटिका के माउंट विंसन सभी पर फतह प्राप्त की है। अरुणिमा शीघ्र ही उत्तरी अमेरिका के माउंट मकिनले पर भारतीय तिरंगा फहराने का संकल्प कर चुकी हैं। उनके इस अदम्य साहस भरे अभियानों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री से अलंकृत किया था। उन्हें 2015 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों पर्वतारोहण के शीर्ष पुरस्कार तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती पुरस्कार, सलाम इंडिया अवार्ड, टाइम्स नाउ अमेजिंग इंडिया अवार्ड, मलाला अवार्ड, मातृरत्न अवार्ड, हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान, इंडिया टुडे इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड, अमर उजाला अचीवर्स अवार्ड, लोकमत सम्मान तथा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। रतन टाटा द्वारा उन्हें ब्रेव गर्ल ब्रेव हार्ट का भी टाइटल प्रदान किया गया था। अरुणिमा अपना जीवन निर्धनों एवं दिव्यांगों के जीवन स्तर को सुधारने में लगाना चाहती हैं और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकादमी बनाने की इच्छा रखती हैं। आप प्रोस्थेटिक लिम्ब सेंटर सोसाइटी भी बनाना चाहती हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के फिल्म निर्माता उनके जीवन पर बायोपिक बनाने की पहल कर चुके हैं। अरुणिमा कर्नाटक सरकार के खेल तथा साहसिक खेलों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अतिरिक्त वे उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत अभियान, चुनाव आयोग, नई दिल्ली नगर निगम आदि की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। महोदया, आपके अदम्य साहस और उल्लेखनीय सफलताओं जो कि समस्त समाज के लिए अनुकरणीय है के सम्मान में यह विश्वविद्यालय आपको विद्या वाचस्पति की मान्यता उपाधि से अलंकृत करता है और आपसे आशा करता है कि आप अपने को सदा इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करती रहेंगी। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से विशिष्ट अतिथि सुश्री अरुणिमा सिन्हा जी को डीलिट मानद उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करने का कष्ट करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया से विशिष्ट अतिथि सुश्री अरुणिमा सिन्हा को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति में निहित अधिकार से मैं सुश्री अरुणिमा सिन्हा को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करती हूं तथा अपेक्षा करती हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करती रहेगी। रात में तारा टूटता था तो हम अपनी दादियों से ना है क्यों है। मैं आपको बताऊं कि 15 जुलाई 1959 को शायद ऐसा ही कोई तारा देवमंडल से विशेष अभियान के तहत पृथ्वी पर भेजा गया था जो देवभूमि प्रयाग के लिए निर्देशित था। यह तारा ग्राम पिनानी जनपद पौड़ी गढ़वाल स्वर्गीय श्री परमानंद पोखरियाल जी श्रीमती विश्वेश्वरी देवी जी के घर
रमेश नाम के बालक के रूप में जन्म लेता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपका विवाह कुसुम कांत पोखरियाल जी से हुआ था 11 नवंबर 2012 को, जो असमय एक छोटी बीमारी के बाद कालग्रसित तो हो गई। वर्तमान में आपकी 3 पुत्रियां आयुषी, श्रेयसी व विदुषी हैं। आपने अपनी शिक्षा डॉक्टर हेमवती नंदन गढ़वाल से कला में स्नातकोत्तर के हमारे मुख्य छोटा विवरण वर्ष 1900 प्रारंभ हुई। वर्ष 1900 समिति के केंद्रीय प्रवक्ता नियुक्त हुए। वर्ष 1991 से 2012 तक आप 5 बार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानसभा में आप सदस्य विधानसभा रहे। वर्ष 1991 में पहली बार आप उत्तर प्रदेश में करण प्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार 3 बार वर्ष 1993 और 96 में आप सदस्य विधानसभा रहे। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में आप पर्वतीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री, तत्पश्चात वर्ष 1999 में श्री राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार में संस्कृति पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के पहले वित्त, राजस्व, कर, पेयजल समेत 12 विभागों के आप मंत्री थे। वर्ष 2007 में उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य, भाषा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री थे। वर्ष 2009 में उत्तराखंड प्रदेश के, यहाँ मैं आपकी तालियां चाहूँगा, प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री आप निर्वाचित चयनित हुए। फिर वर्ष 2011 में आप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। वर्ष 2012 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 में डोईवाला से इस्तीफा देकर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति के भी सभापति रहे। राजनीतिक यात्रा का जो संक्षिप्त परिचय मैंने दिया, आपकी लोकप्रियता का अंदाज आप सहज ही लगा सकते हैं। आपकी साहित्यिक यात्रा, आप बचपन से ही कविता और कहानियां लिखते थे। आपका पहला कविता संग्रह वर्ष 1983 में समर्पण प्रकाशित हुआ। अब तक आपके 14 कविता संग्रह, 12 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास, 4 पर्यटन ग्रंथ, 6 बाल साहित्य, 4 व्यक्तित्व विकास सहित कुछ 5 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर निशंक के साहित्य का जर्मन, क्रियोल, स्पैनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, नेपाली आदि विषय विदेशी भाषाओं सहित तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, संस्कृत, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपका साहित्य, डॉक्टर निशंक जी का साहित्य देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। आपके साहित्य पर हैम्बर्ग, जर्मनी, मॉरिशस आदि देशों के विश्वविद्यालयों में तथा कुमायूं विश्वविद्यालय गढ़वाल, गढ़वाल विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड सहित देश के अनेक विश्वविद्यालयों में कार्य हो चुके हैं आप पर शोध के, और हो भी रहे हैं। आपको सम्मानों की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है, जिनमें से कुछ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आपको डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, तत्काल राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर संकल दयाल शर्मा जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी जी, आपकी पुस्तकों को आप राष्ट्रपति भवन में इन महानुभावों के हाथ से लोकार्पण और आप सम्मान प्राप्त हो चुका है। मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अनिल जगन्नाथ द्वारा पुस्तकों का लोकार्पण एवं सम्मान भारत एवं मॉरिशस में हुआ।
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुस्तक का विमोचन और भारत गौरव सम्मान आपको प्राप्त है। युगांडा के राष्ट्रपति रोहकाना रोगांडा द्वारा मानवीय शिखर सम्मान आपको प्राप्त है। नेपाल सरकार द्वारा हिमाल गौरव सम्मान आपको प्राप्त है। उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए श्रीलंका, जर्मनी, हॉलैंड, रूस, नॉर्वे, जापान, इंडोनेशिया, भूटान समेत अनेक यूरोपीय देशों में आपको सम्मानित किया गया है। मॉरिशस गणतंत्र के देश के द्वारा सर्वोच्च मॉरिशस सम्मान से सम्मानित ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको गोपियो कहा जाता है, आपको असाधारण उपलब्धि के लिए वो सम्मान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय श्रीलंका द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस और डीलिट की उपाधि एवं देश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा आपको पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्रदान की गई हैं। देश विदेश के 300 से अधिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्र गौरव, भारत गौरव, प्राइड ऑफ उत्तराखंड एवं यूथ आइकन अवार्ड आपको प्राप्त हो चुका है। आपकी कहानी संग्रह में रोशनी एक किरण, आप जरा शीर्षक पर ध्यान दीजिएगा, बस एक ही इच्छा, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, मेरे संकल्प, विपदा जीवित है, खड़े हुए प्रश्न, टूटते दायरे, मील के पत्थर, आओ सीखे कहानियों से, अंतहीन, वाह जिंदगी, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ, शिखरों के संघर्ष, छूट गया पड़ाव बीरा पहाड़ से ऊंचा, मेजर निराला। इसके बाद निशंक जी की सर्वश्रेष्ठ 21 कहानियों का संग्रह संकलन हुआ है, वो भी प्रकाशित है। आपके कविता संग्रह में समर्पण, नवाकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, देश हम जलने न देंगे, जीवन पथ में मातृभूमि के लिए कोई मुश्किल नहीं, ऐ वतन तेरे लिए संघर्ष जारी है, प्रतीक्षा, ये कविता संग्रह कुछ रहे हैं आपके। आपके उपन्यासों में मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, बीरा, निशांत, छूट गया पड़ाव, अपना पराया, पल्लवी प्रतिज्ञा, कृतघ्न, भागो वाली, आपने मेरे पत्र मेरी कथा, ये शहीदों के पत्रों का संकलन आपने उसको संपादित किया है। आपने पर्यटन धर्म एवं संस्कृत पर धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, ये तीन वॉल्यूम्स में, तीन श्रृंखलाओं में है, जिनमें हिमालय का महाकुंभ, नंदा देवी, राजजात। आपके अंत में आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, मैंने डॉक्टर निशंक की महान कृति ए वतन मेरे लिए को पढ़ा, समझा, मनन किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिमालय से निकली निशंक की गंगामयी काव्यधारा राष्ट्र के निर्माण में नींव का पत्थर बनेगी। डॉक्टर निशंक ने कवि के रूप में दैदीप्यमान सूरत की तरह जो सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, उस अबाध साहित्यिक यात्रा हिंदी की समृद्ध एवं श्रीवृद्धि में बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत बड़ी श्रृंखला है, आपने देखा, स्वयं निशंक साहब ने ही मुझे रोका है। अब आगे जो आपको सुनना है उनके श्रीमुख से ही सुने। मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक का, कि कृपया मंच पर आएँ और हमारे छात्रों को आज का अपना दीक्षांत उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस गौरवशाली आयोजन दीक्षांत समारोह की हमारी अध्यक्षता कर रही है हमारा गौरव, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल बहन, और इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित जी, और आज जिनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है और जिन्होंने हमारा गौरव पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाया है, ऐसी मेरी प्रिय बहन पद्मश्री अरुणमा सिन्हा जी, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, विद्या परिषद और कार्य परिषद के विशिष्ट सदस्य,
सम्मानित अतिथिगण, संकाय के सदस्यगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारी बंधु, छात्र छात्राओं, युवा स्नातक और तमाम पदकों से सुशोभित यहाँ पर उपस्थित मेरे उपाधिधारक, मेरे युवा बहनों और भाइयों, अन्य हमारे अतिथिगण, आज ऐसा अवसर है जब आप दीक्षांत दीक्षा लेने के बाद और जो आपने इस विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय की गरिमा को अभी आपके सामने बताया गया और जो स्वयं ही राम मनोहर लोहिया जी के नाम से जो विश्वविद्यालय हो और वो उस महापुरुष की धरती पर हो जिसको आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता हो, जाना जाता हो, सम्मान मिलता हो, ऐसे श्री राम की आज धरती पर ये जो अवधपुरी का अवध विश्वविद्यालय है उसकी उपाधियों को लेकर के ये जाने वाले मेरे योद्धा भाई और बहन आज तमाम प्रकार की मन में बहुत सारी उत्सुकताएं आपके मन में होंगी। आप यहाँ से आज उपाधि ग्रहण करके और उस मैदान में जा रहे हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्वाभाविक ही है कि आपके मन के अंदर तमाम उथल पुथल मच रही होगी। आप एक छोर वो है जब यहाँ से दीक्षांत करके आप जा रहे हैं और दूसरा पहल शुरू वो है जब आपको मैदान में अपने को साबित करना है। मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ, हिमालय के कंदराओं से आपको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं अभी अभी बैठे ये सोच रहा था जब अरुणिमा के बारे में चर्चा हो रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था कि एक हिमालय की बेटी विचेंद्री पाल ने पूरी दुनिया में पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट की विजय पताका हासिल की थी और दूसरी ऐसी बहन आज जिसने कृत्रिम पैर होने पर इच्छा शक्ति क्या नहीं कर सकती है ये दुनिया को साबित करके दिखाया है। मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ और इनका ये 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 जैसी हमारी बहने हमारी नारी शक्ति, हमने तो शुरू से कहा है यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी असीमित शक्ति का पुंज है और उसने सृजन किया है और अभी मुझे अच्छा लगा जब महामहिम यहाँ पर स्वर्ण पदक दे रही थी तो मैंने मनोज जी को धीरे से पूछा कि कितने स्वर्ण पदक हैं और छात्राओं की संख्या क्या है तो मुझे अच्छा लगा। एक तरफ अरुणिमा थी तो दूसरी तरफ हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो संघर्ष करके आज मुख्यमंत्री के पद से लेकर के और महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही है, उनके हाथों में स्वर्ण पदक थे। और जब मैं देख रहा था तो इन्होंने बताया कि 45% छात्राओं की संख्या है पूरे विश्वविद्यालय में लेकिन स्वर्ण पदक पाने वाली 60% बहनें थी। बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह भी साबित कर दिया, इस इधर इधर दोनों ने यह साबित कर दिया कि हमारी मातृशक्ति में बहुत ताकत है और वो कुछ भी कर सकने की हिम्मत रखती हैं और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ। आज तो ये खुशी का अवसर है, उत्सव है और उत्सव में बहुत सारी चीज़ें मंथन होता है, तमाम उद्गार होते हैं, पीछे को देखा जाता है, आगे का रास्ता छलांग मारने के लिए अपने मन मस्तिष्क को हम तैयार करते हैं क्योंकि हम योद्धा की तरह हमने जो पाया और अभी कुलपति जी आपको दिला रहे थे शपथ और वो जो जो कुछ कह रहे थे आप आगे हाथ खड़ा करके कह रहे थे कि हाँ ये भी हम स्वीकार है, ये भी स्वीकार है, ये भी करेंगे हम, ये भी करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप उस पदवी के साथ वो जो इस समय आपने शपथ ली है और 1,25,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं को आज ये विश्वविद्यालय
उपाधि दे रहा है, मैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो दूर दूर तक भी हैं। और मुझे भरोसा है कि आप इसकी गरिमा को हमेशा बना करके रखेंगे। दीक्षांत के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपका आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य से तो मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस प्रदेश की भी सेवा करने का मुझे दो दो बार कैबिनेट मंत्री रह करके मुझे मेरी, जब मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री था तब भी मेरी अयोध्या से अभिन्न संबंध रहा है। और इसलिए इससे तो पूरी देश और दुनिया का संबंध है और मनस्थिति जुड़ी है। मैं समझता हूँ कि आज वो गौरवशाली क्षण है जब एक ओर हम अपनी उपाधि को लेकर के, अपने हाथ में लेकर के, और पूरी दुनिया को जो शिखर पर जाने की हमारी नज़र है, क्योंकि ये देश विश्व गुरु राय है। इस देश के बारे में एक तद देश प्रसूत सकाशाद्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरण पृथ्व्याम सर्व मानवा। इस देश के बारे में हमें समय से लीडरशिप दी है इस देश ने, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मेरा देश पीछे रहा है, हर क्षेत्र में शिखर पर रहा है। मुझे भरोसा है कि आज जो परिस्थितियाँ पूरी दुनिया में हैं, आज जो हमारा दर्शन है, जो हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, उसको पूरी दुनिया को ज़रूरत है। हम तो पूरी विश्व को हमने अपना घर माना है। हमने तो अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा को यदि कोई कुटुंब मानता है तो केवल हम मानते हैं। और ऐसा ही नहीं है, हमने केवल बोला नहीं है कि पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। उस परिवार की रक्षा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी सुख और शांति के लिए हम पराकाष्ठा तक भी गए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। हमेशा हमारा तो कोई भी काम शुरू होता है तो ओम सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया से शुरू होता है। ये जब तक धरती पर कोई भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, ये संकल्पना यदि है तो मेरे भारत की है और दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। जब तक दूसरे को दुख को मैं दूर नहीं कर देता तब तक मैं सुख का एहसास कर ही नहीं सकता। और मेरे छात्र छात्राओं, आप एक योद्धा की तरह मेरे उस भारत की वैभवशाली गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए आप आज यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन ने आपके विश्वविद्यालय के स्नातक विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया है, मैं विश्वविद्यालय को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि युवा कुलपति इन्होंने बहुत सारे पाठ्यक्रमों को, नए नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया है, और चाहे वो कौशल विकास का हो, वीवो को बहुत मैं देख रहा था, ज्ञान आधारित औद्योगिक क्रांति के इस युग में बहुत सारे कौशल से संबंधित भी रोजगार परक पाठ्यक्रमों को आपने शुरू किया है, ताकि यहाँ से निकलने वाला भी कोई भी छात्र छात्रा वो किसी चौराहे पर भटकने के लिए नहीं, बल्कि न केवल एक दिशा देने के लिए और लोगों के लिए भी एक सबल का काम करेंगे, ये इनके हाथों में वो कौशल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उन अध्यापक गण को भी जो अहर्निश रात और दिन खप करके काम करते हैं और आपको तरास करके और खड़ा करते हैं, क्योंकि तरासने का काम मेरे संकाय अध्यक्षों का है, मेरे गुरुजन का है। ये जो हीरा है, जो सोना है, आप हीरे हैं, क्योंकि आज 125,000 लोगों को, छात्र छात्राओं को उपाधि दी जा रही है और उसमें चुनिंदे हीरे इधर जो पदकों के लिए आए हैं, स्वर्ण पदक जिनको मिले हैं, तमाम पदक जिनको मिले हैं, उन 125,000 में भी ये हीरे यहाँ चुन चुन करके बैठे हुए हैं। मैं इन हीरों से कहना चाहता हूँ, मैं इन कहना चाहता हूँ कि ये जो सोना है ये तप करके आप हीरा हुए हैं, उसकी पहचान की रक्षा की जिम्मेदारी भी आज हमारी है, क्योंकि यदि सोना किसी के घर पर रखा है उसका कोई मूल्य नहीं है, उस सोने को भी कठिन परीक्षा से होप करके तप करके जाना पड़ता है, कितनी धधकती आग में वो सोना इतना लाल किया जाता है, तपाया जाता है उसको,
और तपाने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता, तब तक उसको क्या किया जाता है, हाँ तब तक उसको पीटा जाता है, तरसा जाता है, जब तक कि वो पहनने के योग्य ना हो जाए। ऐसे तरह से वे हीरे आप मेरे देश की शोभा बनकर पूरी दुनिया में छाएं, ऐसे हम शुभकामना देना चाहते हैं। आज हमारे देश में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में आज पूरी विश्व में आज फिर ये देश विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने लगा है, योग पूरी दुनिया के 199 देश आकर के पीछे खड़े हो गए। विज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान गया, केवल 2 किलोमीटर दूरी पर ही रह गया था, हम पूरी सफलता पर हैं। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनका इस सीमा तक का ये प्रयास है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी व्यावसायिक वोकेशनल शिक्षा के संचालन में जो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, वो मैं समझता हूँ कि अभी कुलपति जी कह रहे थे कि हमको जो केंद्र सरकार से मदद मिली है, मैं समझता हूँ जब आपका विद्यालय, आपका विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय इस सीमा तक आगे बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार हर हाल में आपको पूरी मदद करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। दूरस्थ क्षेत्रों पिछड़े और असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से भी आपका जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस ढंग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ज्ञान की उन्नति और बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक समझौता किया है, जिससे विश्व स्तर पर हम शिक्षा में सक्षम हो सकें, सृजनात्मक का विकास सुनिश्चित हो सके, और इसलिए सरकार द्वारा इस दिशा में हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि हम विश्व की रैंकिंग में आएं। हम लोगों को देश में तो अपना स्थान बनाना ही, हमको विश्व में भी स्थान बनाना है, और मुझे भरोसा है कि जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ये स्थान ऐसा सिद्ध स्थान है कि यहाँ से निकलने वाला छात्र उसको पूरे विश्व के शिखर पर लेकर के हमारे गौरव को बढ़ाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास होता है। देश में अभी यदि मैं देखते हैं तो 900 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 40,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 16 लाख से अधिक स्कूल होते हैं, 90 लाख से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएँ हैं। अकेले 33 करोड़ छात्र छात्राएँ होते हिंदुस्तान में, दुनिया के दर्जनों देशों की कुल जनसंख्या नहीं होती है 33 करोड़। और इसलिए ये देश जब करवट लेता है तो उसकी आवाज़ कहीं से कहीं तक पहुंचती है, और वो समय अब आ गया है कि जब पूरी दुनिया इस देश की ओर निहार रही है, हमको आगे बढ़ना है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नई शिक्षा नीति को भी पब्लिक डोमेन में डाला है, नई शिक्षा नीति का मसौदा, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक नए भारत का निर्माण चाहते हैं। कैसा भारत? सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। और ये श्रेष्ठ भारत का जो रास्ता है वो इधर ही से होकर के गुजरता है। मुझे भरोसा है कि जो नई शिक्षा नीति हम उसका जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें विभिन्न चीज़ें, वो नए भारत के निर्माण के आधारशिला बनेगा। वो नवाचार युक्त है, ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से युक्त होने के साथ साथ वो शोध परक होगा, व्यावहारिक होगा, रोजगार परक होगा, उद्योग से समन्वय स्थापित करने वाला होगा, सार्वभौमिक युक्त होगा, सहयोगात्मक होगा, अद्यतन जानकारी युक्त होगा, अंतर विषयी स्थान पर शोध करने वाला होगा और संस्कार युक्त भी होगा तो परिणाम आधारित अध्ययन भी होगा, सक्षम मूल्यांकन का तंत्र भी होगा तो प्रतिस्पर्धा में भी श्रेष्ठता होगा, ढांचा की अवस्थापना के साथ मानव संपदा का विकास और उद्यमिता जो युक्त होगा वो सतत विकास के उस पायदान पर हमको बहुत मजबूती से खड़ा कर सकेगा। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति 33 वर्षों के बाद आ रही है, ये भी इस देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, और मुझे भरोसा है कि आपने अपने सुझावों को निश्चित रूप में भेजा होगा, ताकि यदि अंतिम स्वरूप जब हम दे रहे होंगे तो तब आपके उन सुझावों को भी उसमें हम समाहित कर सकेंगे। भाई बहनों, मेरे युवा मित्रों, मैं समझता हूँ कि इस देश में जैसे मैंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे,
वो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जब पूरी दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होते थे तब हिंदुस्तान के अंदर ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे। मैं समझता हूँ कि आज चाहे हमने सबके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूली शिक्षा अंतिम छोर पर जो अभावों में भी कोई बच्चा है वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके और वहाँ से लेकर के और आज प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप, आप समझ सकते हैं कि ये जो 3-4 योजनाएं हैं इतना 130 करोड़ लोगों का देश, आखिर मेक इन चाइना की बात क्यों करे, मेक इन जापान की बात क्यों करे। मुझे खुशी हुई कि आपने कहा कि मेरी तकनीकी जो इस विश्वविद्यालय के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है प्रदेश के अंदर, आपने मुझे बताया अभी कि केवल 2 ही कॉलेज हैं जिसमें 100% संख्या भरी हुई है और यहाँ पर ये आकर्षण है। ये मैं समझता हूँ शायद उसका कारण ये है कि आपकी यहाँ पर शिक्षा अच्छी है, आपका पाठ्यक्रम अच्छा है, आपकी फैकल्टी अच्छी है और इसलिए हर छात्र अपने भविष्य को तराशने के लिए आपके पास आता है। मेरी शुभकामना कि आप इसको बढ़ाएंगे और आगे उठाएंगे। शोध उपाधि धारण जो छात्र आज के हैं निश्चित रूप में वो आज इसको प्राप्त करके और पूरे बहुत भावों के साथ बहुत सारी कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज संपूर्ण मानवता को सबसे बड़ी आशाएं आपसे हैं और मुझे भरोसा है कि ना आप सिर्फ भारत बल्कि समूची मानवता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे क्योंकि आप भारतवर्ष की विरासत व आज के वैश्विक समय में भारत के संबंध रखते हैं। शैक्षिक ज्ञान और संभावनाओं तथा आधुनिक समय की ज्ञान प्रौद्योगिकी की चेतना से संपन्न आप जैसे लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा आधार स्तंभ बन करके खड़े होंगे, ऐसे साबित आप कर सकते हैं। और ये अच्छा अवसर है आपके लिए भी, जबकि हम दीक्षांत अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप इस बात को चर्चा करते होंगे, जब आप जाएंगे कि मैं अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से आया हूँ, तो जब भी आप अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की बात करना चाहेंगे तब तब लोगों के मन में एक नया उद्गार आएगा, आपको नीचे से ऊपर तक देखना चाहेंगे, इसलिए भी देखना चाहेंगे। इस धरती पर एक ऐसा महापुरुष ने जन्म लिया जिसने पुरुषों में जो उत्तम कहलाया, पुरुषोत्तम, जिसने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया, प्रबंधन के क्षेत्र को साबित किया, एक योद्धा के क्षेत्र को साबित किया, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, और हमको दूर सदियों सदियों तक के लिए कितना कैसा और कितना और किस सीमा तक का समर्पण हो, पराकाष्ठा, समर्पण की, धैर्य की, पुरुषार्थ की ये पराकाष्ठा थी। एक ओर अपनी मातृभूमि से उसी सीमा तक का लगाव कि यदि सोने की लंका को जीतने के बाद यदि लक्ष्मण के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता हो कि भैया इधर ही रुक जाएंगे, ये सोने की लंका है, क्या अयोध्या पहुंचना है, तो तनिक भी मन में कोई विचार ना आते हुए जो हाथ पकड़ के कहते हों अपि स्वर्णमयी लंका, नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो जननी जन्मभूमि है तो स्वर्ग से भी बड़ी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आज अनुसंधान की जरूरत है, हम केवल अपने व्यवसाय के लिए हम दुनिया में छाएं लेकिन देश के लिए जाएं, हम दुनिया में छाएं लेकिन देश के लिए जाएं, आज जरूरत है इस मातृभूमि पर खड़े होकर के इसको विश्व के शिखर पर ले जाने की। मैं ये समझता हूँ कि उस राम को आज याद करके करने की जरूरत होगी जो न केवल पुरुषोत्तम है बल्कि जिनके बारे में यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो तो जिनको एक अगले क्षण राजगद्दी पर बैठना हो और उनको 14 वर्ष के वनवास की बात सुनाई देती हो और एक अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी ऐसा कष्ट का भावना आता हो और ये कहते हो
ये रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाय पर हाँ आप समझ सकते हैं। प्राण भी छोटे हैं अपनी रीतियों को पूरा करने के लिए, माता पिता की आज्ञा के लिए तो प्राण बहुत छोटे हैं। ये संकल्प लेकर के जाने की जरूरत है। किसी के भी जीवन में परिवर्तन केवल केवल संकल्प से आता है। संकल्प जब अंदर आ जाता है, उस राम राज की स्थिति है जिसको सारी दुनिया निगाह भरी दृष्टि से देख रही है। आज से 4-5-6 साल पहले मैं इंडोनेशिया की यात्रा पर था, कुछ देशों के साथ इंडोनेशिया भी गया। हर कदम पर राम की आदमकद की मूर्तियां। वो इंडोनेशिया जो मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उनका आराध्य राम है, घर घर में राम की पूजा होती है। वो कहते हैं ये पुरुषोत्तम है हमारा। ऐसी रामलीला में उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रहा, मैंने घटोत्कच की यदि कोई प्रस्तुति देखी तो इंडोनेशिया में जाकर के देखी, इतने अद्भुत। और रामलीला जो इंडोनेशिया की रामलीला, जरूर जरूर करके मेरे शोध छात्रों जरूर करके देखने की जरूरत है। इसलिए कि आप इस धरती से जुड़े हैं और इसलिए इसको भी साथ रखने की जरूरत है। जब ये कहा गया हो राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सुख, सारे शोक उसकी गद्दी पर बैठते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये है राज, ये है मन। ये जब कोई आदमी ताकतवर होता है, विचारों से युक्त होता है, उसके सामने भी कोई खड़ा होता है तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा को लेकर के जाने की जरूरत है। और इतना ही नहीं है, बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। कोई बैरी नहीं था लोगों में आपस में, और विषमता तो खत्म हो गई थी। ये जो जातिवाद, ये तमाम छोटी छोटी चीजों में हमारा समाज को बांटने वाले लोग, वो तो तब कुछ था ही नहीं। और इतना ही नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा। न तो दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप खत्म थे। आज क्या जरूरत है, आज इसी बात की तो जरूरत है। और साथ साथ में कहा कि सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरति सुरति नीति। सब नर करें परस्पर प्रीति। आज दुनिया में आतंकवाद, आज जिस तरीके का वातावरण बना है, आज फिर उसी विचार की जरूरत है जो विचार सारी दुनिया को एक परिवार के रूप में खड़ा कर सके। क्योंकि जो परिवार है उस परिवार में ये विचार है, और विचार हमारा बड़ा है। और इसलिए मेरे को भरोसा है कि आप जब इस क्षेत्र से जा रहे हो तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन करके गए हैं। राम भगवान राम की तरह एक अच्छा विद्यार्थी हो, अच्छा पुत्र हो, अच्छा प्रशासक हो, अच्छा पति हो, अच्छा भाई हो, अच्छा शासक हो, अच्छा ईश्वर भक्त हो, अच्छा सैनिक हो, अच्छा लीडर हो जो सबको साथ लेकर के चल सके, हर समस्या का समाधान करने के लिए, हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए जो खड़ा हो। जब चुनौती सामने होती है और उसका मुकाबला किया जाता है तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। आपके सामने चुनौती आएगी हर कदम पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। अभी हम लोगों ने जिस तरीके से बहुत स्वयं और स्वयं प्रभा पोर्टल का जरूर आप उपयोग करिए, क्योंकि स्वयं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप स्वयं जा सकते हैं। स्वयं प्रभा 24 चैनल हैं, 24 घंटा उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अर्पित पोर्टल है, अर्पित को आप जरूर करिए। 15 लाख शिक्षकों को अद्यतन जानकारी उसमें है। वो नए जो ज्ञान और विज्ञान और नॉन मेस के जो पाठ्यक्रम आ रहे हैं वो उसमें समाहित हो रहे हैं। अंतर विषयों पर जो शोध के लिए स्ट्राइड शुरू किया है हमने UGC ने, उसको जरूर उससे गुजरना चाहिए आपको, ताकि आपको पता रहे। परामर्श भी पीछे के दिनों में हमने शुरू किया था। मुझे भरोसा है कि इस विश्वविद्यालय ने, दीक्षांत तो आज हो रहा है लेकिन हमने शुरू किया था एक दीक्षारंभ ये शुरू किया था कि जब दीक्षा शुरू होती है तो नए छात्र के मन में तमाम उथल पुथल रहती है, परिचय के नाम पर उसका मानसिक और शारीरिक
प्रताड़ना से होकर के गुजरना पड़ता है। इसलिए हमने कहा जब नया छात्र आता है तो संकाय पुराने छात्रों के साथ उनका सम्मान करे, परिचय कराए और पुराने छात्र उसको पूरे परिसर का परिचय कराए। मुझे खुशी है कि इस समय जो दीक्षारंभ कार्यक्रम पूरे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने शुरू किए उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पुराने छात्र हैं। ये जो आपने परामर्श किया है कि जो हमारी रैंकिंग में उच्च स्तर पर जो हमारी संस्थाएं हैं उनके साथ चार पांच महाविद्यालयों को जोड़ना ताकि वो उन पांचों आसपास के पांचों को भी अपने रैंकिंग पर ला सकें, मुझे भरोसा है कि आप इसका भी उपयोग कर रहे होंगे। और इम्प्रिंट जो सामाजिक विषयों पर, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ समस्याएं बिखरी हुई हैं, उन समस्याओं पर शोध करके उसके समाधान और निदान के लिए हमको शोध करना है और उस शोध के लिए भी एक लंबा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जारी है। आपने NRF के बारे में आपने देखा है कि जिस तरीके से शोध की दिशा में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री जी थे तो सीमाओं पर हम संकट में थे और खाद्यान्न के संकट से जूझ रहे थे, तब उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। लेकिन जब उसके बाद हम आगे बढ़े, देश आगे बढ़ा, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जय जवान जय किसान के बाद अब आवश्यकता होगी जय विज्ञान की, तो उन्होंने जय विज्ञान के साथ जोड़ा। और इस समय के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अनुसंधान की जरूरत है, अब देश को बहुत तेजी से दौड़कर शिखर पर पहुंचना है विश्व के, इसलिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को भी जोड़ा है, वह आप उसका पूरा लाभ लेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं हिमालय की कंदराओं से, मुझे आपका गीत बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी विश्वविद्यालयों को इसी तरीके से अपना कुल गीत बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। उसके जिसने भी गीत को बनाया है, जिसने गीतों को कंपोजिंग की है, जिसने भी गीत और संगीत की है, मेरा निवेदन होगा कि कभी हमारे महामहिम राज्यपाल भी हैं और यहाँ के कुलाधिपति भी हैं, उस टीम को उनके हाथों से ज़रूर सम्मानित मैं कराना चाहता हूँ और मैं उसकी अनुमति भी लेना चाहता हूँ महामहिम से कि वो उनका अपने हाथों से, उनको भी अच्छा लगा होगा कि इतना सुंदर गीत जो भाव पैदा करें उस गीत को सुन करके। वो तो आपने हिमालय से लेकर सब कुछ समाया, यदि रोज ही उस गीत को आप गाएं तो आप योद्धा बन सकते हैं, अकेले उसी गीत पर योद्धा बन सकते हैं, अच्छा गीत है, ऐसी भावनाओं को पैदा करता है। और इसलिए मैं उस हिमालय से जिसकी आपने चर्चा की, उस गंगा और यमुना की आपने चर्चा की, शंकर भगवान की आपने चर्चा की और भगवान राम की धरती पर, मैं यही कह सकता हूँ कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है। और आगे सिर्फ ही इतना ही कह करके कि क्या है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं एक बात पुनः मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, आप एक योद्धा की तरह अब मैदान में जाएं और आप पर गर्व कर सके, ये विश्वविद्यालय गर्व सके, मेरा उत्तर प्रदेश गर्व कर सके, मेरा देश आप पर गर्व कर सके, पूरी दुनिया पर गर्व कर सके। आज से आप इसी योद्धा की तरह बाहर निकलेंगे और उस खुशबू को पूरे विश्व में बिखेरेंगे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अभी आपने एक बात कही उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुलगीत हमारा बहुत ही सुंदर है और जिन्होंने उसकी रचना की है उनको सम्मानित करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में हिंदी के प्रोफेसर थे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी, उन्होंने ही इस गीत की रचना की थी। दुर्भाग्यवश वो इस समय इस दुनिया में नहीं है और उनकी वंशजों को बुलाकर हमारे वर्तमान कुलपति जी ने एक कार्यक्रम किया हुआ था और उनके वंशजों को यहाँ एक सम्मान समारोह आयोजित किया था और वो किया है। उनके वंशज यदि फिर मिलते हैं और ये सुखद संयोग हमको प्राप्त होता है तो हम पुनः उनको बुलाकर और माननीय कुलाधिपति महोदय और आपकी मौजूदगी में उनको सम्मानित कराने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को
को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। इसके बाद दो पुस्तकों का विमोचन है, वो भी इसी श्रृंखला में। पहले वॉलंटियर जो हमारे विशेष आमंत्रित बच्चे हैं आज के कार्यक्रम के लिए, उनको उस तरफ से उनके बैग, उनका बैग, उनका फल, उनके चॉकलेट। वॉलंटियर्स आप धीरे धीरे करके बच्चों को लाए, उनको घबरवाएं नहीं, आराम से एक एक करके लाइए। देखो क्या जगह वो नहीं, आप देख सकते हैं जैसा मैंने सवेरे बताया था, माननीय कुलाधिपति महोदय ने ये एक नई शुरुआत की है दीक्षांत समारोहों में।
आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुलपति से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें, और इसके साथ ही तुरंत बाद एक दो विमोचन है कॉफी टेबल बुक तथा स्मारिका का तत्काल ही इनके साथ शुरू। अब विमोचन होगा कॉफी टेबल बुक का तथा स्मारिका का, इसके बाद अब परिवार की मुखिया माननीय कुलाधिपति महोदया से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आएं और आज हमारे बच्चों को, इस समुदाय को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनु दीक्षित जी, पर्वतारोही पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक गण, अधिकारी एवं कर्मचारी गण, समस्त छात्र छात्राएं,
आज आए हुए हमारी प्राइमरी स्कूल्स के सभी बच्चे, आमंत्रित महानुभाव, देवीय और सज्जनों, अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक अति प्राचीन धार्मिक नगरी है। सरयू के पवित्र तट पर बसी यह नगरी प्रारंभ से ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर रही है। यह भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिनका जीवन दर्शन केवल हमारी आस्था तक ही नहीं सीमित नहीं है, बल्कि उनका आदर्श जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्र चिंतक आचार्य नरेंद्र देव व समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली अयोध्या के इस विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के सुअवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में आज यहाँ उपस्थित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का मैं यह स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर निशंक ने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। मुझे आशा है कि आपका सारगर्भित उद्बोधन हमारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी बना रहेगा। राष्ट्र के विकास में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को ज्ञानशील बनाने के साथ साथ उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करना भी विश्वविद्यालय का उद्देश्य होता है। यहाँ उपस्थित बहुत से विद्यार्थी अपनी आजीविका के लिए अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण तय करना होगा। आपकी मनोदृष्टि मानवीय होनी चाहिए, जिसकी आप मानवता एवं प्रेम और समता के द्वारा जीवन के इस अस्तित्व को पहचान सके, जिसे पूर्वजों ने निस्वार्थ सेवा और त्याग के द्वारा अभिव्यक्त किया है। किसी भी देश के विकास में उसकी संस्कृति का बहुत योगदान होता है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। समय के साथ चलते रहना भारतीय संस्कृति की सबसे अनूठी बात है। अवध की पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक धरोहरों, लोक कलाओं एवं मान्यताओं को संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में फाइन आर्ट्स विभाग की स्थापना एक सराहनीय प्रयास है। विश्वविद्यालय के योगदान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018 में दिव्य दीपोत्सव जैसा महाअभियान मूर्त रूप लेते हुए ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ विश्व पटल पर अयोध्या को स्थापित करने में सफल रहा है। अयोध्या के सांस्कृतिक संवर्धन के लिए जो भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते हैं, उससे इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं प्रबल हो जाती है। हमें अपार हर्ष है कि विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोक्षदायिनी हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन के साथ MBA टूरिज्म कोर्स को भी संचालित किया है, जिससे निश्चित रूप से अयोध्या में पर्यटन क्षेत्र विकसित होगा, जिसका सीधा लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में दीपावली की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के 5000 स्वयंसेवकों, छात्रों तथा शिक्षकों ने एक साथ घाटों पर 301,000 तेल के दीपक जलाकर ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, जिससे पूरे भारत में विश्वविद्यालय ने अपना नाम रोशन किया। भारतीय संस्कृति एवं प्रबुद्ध परंपरा को संजोने हेतु विश्वविद्यालय ने समरसता कुंभ का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से
लगभग 33 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही अयोध्या हाफ मैराथन की प्रतियोगिता एवं विभिन्न खेलों में उत्तर क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्राप्त 3 स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों आदि जैसी तमाम सफलताओं के लिए मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ। आज हम भौतिकवाद की दौड़ में प्रकृति से अपना सामंजस्य खो दिया है। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम कर रहे हैं। हमें इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखना होगा कि जल ही जीवन है, अतः हमें जल को हर रूप में संरक्षित करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को केवल पीड़ा और कष्ट ही दे पाएंगे। पानी के बारे में एक नहीं, कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। विश्व में और विश्व रूप के भारत में पानी किस प्रकार नष्ट होता है, इस विषय में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर जागरूकता का प्रसार कर हम पानी के अपव्यय को रोक सकते हैं। ऐसे अनेक तथ्य हैं जो हमें आने वाले खतरों से तो सावधान करते ही हैं, दूसरों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और पानी के महत्व व इसके अनजाने स्रोतों की जानकारी भी देते हैं। मुंबई में रोज वाहन धोने में 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइनों के वाल्व की खराबी के कारण प्रतिदिन 70-44% पानी बेकार बह जाता है। इजराइल में औसतन मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वर्षा से वह इतना अनाज पैदा कर लेता है कि वह उसका निर्यात कर सकता है। दूसरी ओर भारत में औसतन 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है। भारत के कई क्षेत्रों में महिलाओं को पीने के पानी के लिए रोज ही औसतन 4 मील पैदल चलना पड़ता है। पानी जन्य रोगों से विश्व में हर वर्ष 22 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें 97.5% पानी समुद्र में ही जो खारा है,